The biggest question all across the country at this moment is what happens post the 17th of May? And the people who have the deepest insights are those who are in the meeting with the Prime Minister yesterday. Joining us live from Ranchi at this time is the Chief Minister of Jharkhand, Hemant Soren. Hemant Soren ji, swagat hai aapka India Today par. Desh bhar mein, na keval Jharkhand mein, balki pure desh mein, sabse bada sawal yahi hai ki 17 mai ke baad kya hoga, kya hona chahiye. Pradhanmantri ka sham ko bhashan hai. Aap us bahut ahem meeting mein the. 6 ghante se zyada lambi chali ye meeting. Aap thoda samjhaein, jo aapne tamam CMs ki baat suni, PM ki baat suni, usko sunkar, samajhkar, aapko kya laga ki 17 mai ke baad ab kya hone wala hai, Chief Minister sahab? देखिए, सभी देश के सीएम ने अपनी अपनी बातें रखी, कुछ समस्याओं के साथ कुछ लोगों ने भी अपनी बातों को रखा और लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में भी कुछ लोग रहे. और प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत संक्षिप्त में अपनी बातें रखी और हमें भी बहुत संक्षिप्त में बातें रखने का मौका मिला था. लेकिन आफ्टर ऑल पीएम इज़ द आवर कैप्टन ऑफ दिस कंट्री. उनका डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा. क्या वो डिसाइड करते हैं अपने टीम के साथ, पूरे देश की हालात उनके सामने है. और हम लोगों ने भी कहा है और हमने तो कहा भी है कि हमारी मुसीबतें तो तब बढ़ेंगी जब लेबर हमारे वापस आएंगे. और इसको लेकर हम केंद्र सरकार के निर्देशों का तो हम पालन करते ही हैं. और बड़ी भूमिका अभी अब 17 तारीख को क्या आएगा उसके बाद ही हम लोग कुछ डिसाइड कर पाएंगे. ये जो सारे श्रमिक हैं जो कि देश के बड़े बड़े शहरों से इस वक्त ट्रेन में या फिर साइकिल में, ऑटो में या ट्रक में बैठकर अपने अपने राज्य जा रहे हैं, उनमें कई झारखंड भी आएंगे, उनको शुरुआत में क्वारंटीन करने के लिए ताकि बीमारी राज्य भर में ना फैले, आपने किस तरह की तैयारियाँ की हैं चीफ मिनिस्टर साहब? नहीं नहीं, बिल्कुल. अभी हम लोग जिस तरीके से अभी मेन जहां रेड जोन से लोग आ रहे हैं, जैसे सूरत से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, और जो ख़ास तौर पर जहां पंजाब से लोग आ रहे हैं, ये इन लोगों को पहले हम लोग गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर पे रखते हैं, उसके बाद ही इनको हम लोग आगे जाने दे रहे हैं. ये हम लोग की अरेंजमेंट अभी तक है. और हम लोगों ने रूरल एरियाज में भी, पंचायत लेवल में भी क्वारंटाइन सेंटर एस्टेब्लिश कर रखा है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी, ब्लॉक लेवल में भी. अभी हम लोग सोशल पुलिसिंग को बहुत हम लोगों ने एक्टिव कर रखा है, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने में हमारे, चूँकि ये स्टेट ही मोरलेस कहा जाए कि लेबर बेस्ड स्टेट रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पर लेबर आएंगे और बहुत उनकी इतनी दूर से आने के बाद, इतनी परेशानी झेलने के बाद, फिर वो क्वारंटाइन में रहने पर भी उनके लिए एक वही स्थिति बनी रहती है. तो हम लोगों ने इस पे रूरल एरियाज़ में पंचायत के लोगों को भी इस सब्जेक्ट के बारे में बताया है कि वो लोग खुद इन लोगों का केयर करें, वो लोग को भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे ताकि एक होमली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो. जो इनकी मनस्थिति अभी बनी है, उस मनस्थिति, उस डर को हम लोग निकालने में भी कामयाब रहें और उनको बेहतर तरीके से संक्रमण से बाहर निकाले. हालांकि हमारे यहाँ पर जो आज के दिन में जो रिकवरी रेट है 50% है, जो नेशनल लेवल की 30% जो है अभी, उससे बेहतर है. और हम समझते हैं कि थोड़ी सी अगर रूरल एरियाज़ में हमारी एक्टिविटीज़, वहाँ के लोग एक्टिव होंगे, तो फिर ये हम लोग बहुत तरीके से और आसानी से संभाल भी पाएंगे. हेलो, हेलो, कट गया. हेमंत सोरेन साहब, आवाज आ रही है? हाँ. आ रही है सर आवाज? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि करीब आधे दर्जन चीफ मिनिस्टर्स थे जिन्होंने कहा कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की जरूरत है. तो उनका क्या लॉजिक था, वो लॉकडाउन को क्यों एक्सटेंड करना चाह रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग जो आपको देख रहे हैं, उनको तो लग रहा है सर अब बहुत हो गया, 50 दिन से हम लोग लॉकडाउन है, अब वो चाहते हैं कि थोड़ी छूट मिले, वो बाहर निकले. क्या लॉजिक था उनका एक्सटेंड करने के लिए? आप अपने स्टेट के लिए क्या चाहते हैं, थोड़ा बताइए प्लीज, क्या हुआ मीटिंग में?
देखिए, पहली बात तो हमारे स्टेट में लॉकडाउन की वजह से अगर हम देखें, समस्या तो है, इस पे कोई दोराय नहीं है, लेकिन जो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जो प्रवासी मजदूर बाहर हैं, जो लोग चल चुके हैं रास्ते, कोई ट्रक से कोई पैदल, वो आप कह भी रहे हैं, और ये एक बहुत हताशा वाला विषय रहा। और हमने कल प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह भी किया है, जिस तरीके से लोग ट्रेनों में कट के मरने पर मजबूर हैं, उन लोगों को पहली प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुंचाया जाए, ताकि राज्य को अब प्रवासी के विषय में बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता ना पड़े, और अपने राज्य के अंदर की जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र रख सके, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे हो और लोगों की हेल्थ को इश्यूज़ को लेकर कैसे हो। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से विशेष ट्रेन चले हैं, इस ट्रेन को चलाकर उसमें और बढ़ोतरी करके अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द घरों तक पहले पहुंचाया जाए। अभी के हालात में पहली हमारी प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना, और ऐसी स्थिति में जान बचाते हुए जीविका जीने के लिए भी एक इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाए रखना बहुत कड़ी चुनौती है। और अभी तो हमारे यहाँ लोग आना शुरू ही किए हैं, लगभग अभी 70-80 हज़ार लोग अभी हमारे आए हैं, जबकि हमारे रजिस्टर्ड में लोग लगभग 6.5 से 7 लाख लोग बाहर हैं, जो अभी लगातार राज वापसी की मांग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से लगातार सभी राज्यों को ट्रेनों का ये भी मिल रहा है, NOCB की, कौन कौन ट्रेन किन किन राज्यों से आने हैं, कब कब आने हैं, और इस हिसाब से अभी तो हमारा मूवमेंट बाहर से ही है, आने जाने का ही है। पहले हमें लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। ये सर, आपने मुद्दा रेज किया स्टेट्स के रेवेन्यू का भी, आपने कहा कि रेवेन्यू नहीं मिल रही झारखंड और बिहार जैसे राज्यों को, जो कि सेंटर पे डिपेंड करते हैं, तो रेवेन्यू को लेकर आपकी फिलहाल स्थिति क्या है? आपको फाइनेंसेस मैनेज करने में, सैलरी पे करने में, सरकार का कामकाज चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है, उस बारे में क्या बातचीत? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बात हमने कहा है। देखिए, अभी जैसे इससे पहले जब VC हुई थी तो प्रधानमंत्री जी ने रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को के बारे में कुछ जिक्र किया था, और अगर हम उसमें देखें तो वो सबसे पहले नाम अगर ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में थोड़ा गतिविधि बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, तो मनरेगा सबसे पहले नाम आता है। उस पर हम लोगों ने थोड़ा सा उनसे कहा है कि उसमें जो अभी जो उसमें कानूनी बाधाएं हैं उसमें थोड़ा सरलीकरण किया जाए, लोगों को जो बहुत विलंब से ये मिलता है उनका जो सैलरी मिलता है, वो अब जल्द से जल्द सैलरी उनको देने का प्रावधान हो, कुछ चीज़ें उसमें रेक्टिफाई करने की हमने मांग की है। और साथ साथ में हमारे राज्यों की स्थिति तो ये हालत है कि 1 रुपया के लिए भी केंद्र सरकार की और नज़र दौड़ानी पड़ती है, और इसमें आज हमारे पास खनिज संपदा है, कई माइनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ होते हैं, मिनरल बेस्ड स्टेट है, और आज राज्यों को मोरलेस जैसे हमारे पिछड़े जैसे राज्य हैं, बिहार है, हमारे झारखंड है, हम आज टैक्स नहीं लगा सकते, आज हम कोई भी रेवेन्यू जनरेट करने की दिशा में हमारे पास बिल्कुल नहीं के बराबर हालात है, और आज लॉकडाउन में तो वो 0/0 है। हम भी कुछ अपने तरीके से संसाधन जुगाड़ कर पाएँ, आज हम ये मानते हैं केंद्र सरकार के पास भी रिसोर्सेज जनरेट करने की स्थिति अभी खराब है, राज्य सरकार की भी स्थिति खराब है, तो आज क्यों नहीं ये आप भी अपनी कोशिशें करें, हम भी अपनी कोशिशें करें, इसके लिए हमें जो राज्य को भी अपने जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ रिसोर्स जनरेट करने का एक रास्ता दे, हमें टैक्स लगाने का, जैसे कई क्षेत्र यहाँ पर हैं जहाँ से हमें अच्छी रेवेन्यूज आ सकते हैं, वहाँ हम भी उसके हिस्सेदार बने। सर, जो ट्रेन्स हैं उसको लेकर बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर्स ने कहा कि ट्रेन सर्विसेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे माइग्रेंट्स वापस आएंगे और बीमारी फैल सकती है, तो ट्रेन को लेकर आपका क्या नज़रिया बना, ट्रेन को लेकर मीटिंग में क्या नज़रिया बना, क्या ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर्स इस बात से राजी हैं कि ठीक है ट्रेनें वापस आनी चाहिए, या आपको भी चिंता है कि ट्रेनें लौटी तो बीमारी तेज़ी से फैल सकती है? नहीं, जिस तरीके से ट्रेन को चालू करने की बात कही गई है, जो मुझे पता चला है उसमें राजधानी के बराबर फेयर लगेगा,
तो मुझे लगता है कि ये एक हास्यास्पद स्थिति है कि क्या उन ट्रेनों में जो राजधानी का फेयर वेयर करने की स्थिति पर हैं ऐसे मजदूर जो पैदल चल रहे हैं, जो बिस्किट खा करके चल रहे हैं, कोई मिक्सचर खा करके चल रहा है, कोई पानी पी करके चल रहा है, क्या वो मजदूर उस ट्रेन से वापस आ पाएंगे? मुझे शकी है कि उससे मजदूर आएंगे, उसमें वही लोग आ पाएंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं, खाने पीने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग होटलों में भी रह करके अफोर्ड कर सकते हैं। मैं हमारी चिंता अधिकतर मजदूरों को लेकर है कि मजदूर कैसे अधिक से अधिक लोग आएँ। इसके लिए जो ट्रेनें जो इन लोगों ने विशेष रूप से चलाई है, उन ट्रेनों में बोगियों की संख्या बढ़ाया जाए, ज़्यादा अच्छा है। और हालांकि हमने तो ये भी रिक्वेस्ट किया है कि चूँकि सबसे अधिक रेलवे को रेवेन्यू झारखंड ही देता है, हमको तो कम से कम ट्रेन में आज मजदूरों को लाने के लिए थोड़ा छूट मिलना चाहिए, वो भी अभी तक नहीं मिला है। हमने तो रेल मंत्री जी से भी हमने ये रिक्वेस्ट किया है, लेकिन अभी तो हम लोग अपने रिसोर्स से ही लोगों को ला रहे हैं। पता नहीं लोगों को लाते लाते हो सकता है कि हम बिल्कुल एम्प्टी हो जाएं यहाँ पर, और हमारे लिए स्थिति और बद से बदतर हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि जो 15% केंद्र सरकार ले रही है कि मजदूर उसको बहुत भी ना लिया जाए? आप कह रहे हैं कि जो 15% का चार्ज लग रहा था माइग्रेंट ट्रेन्स पे, वो भी नहीं लगना चाहिए, सेंटर को प्रोवाइड करना चाहिए। कम से कम भारत सरकार को आज के इस डिजास्टर में तो मजदूरों के लिए तो एक विशेष नजरिया रखना ही पड़ेगा। जो लोग आज देश का इकोनॉमिकल व्हील को मूव कराते हैं, जो अर्थव्यवस्था की पहिया को चलाने वाले लोग हैं, आज जो मजदूरों का एक नदी था, जो एक बरसों से एक बहुत बड़ा एक ये बन करके अलग अलग राज्यों में अपना ये सेवा दे रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, देश की अर्थव्यवस्था की पहिए को चला रहे थे, आज वो नदी बिल्कुल अलग डायरेक्शन लेकर के घूम चुकी है, वो अपनी घरों की ओर वापस आ रहे हैं। आज इन मजदूरों को अगर हम कल अर्थव्यवस्था को फिर से दौड़ाना चाहते हैं, उनकी पहिए को फिर से चलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आज जिस तरीके से मजदूरों के ऊपर मजदूरों की जो मनस्थिति है वो आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि आज उनके मन में कितना पीड़ा है। आज सड़कों पर बच्चे जन्म ले रहे हैं, कोई ट्रेन पर जन्म ले रहा है, कितनी बद से बदतर स्थिति है। आज हमारी देश की चिंता कम, आज जो सबसे गरीब इस तरीके के मजदूर हैं, इन पर हम लोगों की होनी चाहिए। और आखिर इतने दिनों तक लॉकडाउन रहा, इतनी चीज़ें इतनी चली, उसमें आज ऐसा क्या आन पड़ा कि हम उन मजदूरों के विषय में बिल्कुल नज़रअंदाज करें और उनसे पैसे लेने की बात करें? ये तो मुझे लगता है कहीं से ठीक नहीं है। आज इसको लेकर के तो केंद्र सरकार को निश्चित रूप से उस ये मजदूरों की आने जाने के लिए बिल्कुल अपने ये पे लेना चाहिए। या बड़ी बात बोल रहे हैं, अहम बात बोल रहे हैं। आखिर में हेमंत सोरेन साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से आप क्या सुनना चाहेंगे? पीएम जब 8 बजे देश को संबोधित करेंगे, सबकी नज़र मोदी जी पे होंगी, झारखंड के चीफ मिनिस्टर के तौर पे आप देश के प्रधानमंत्री से क्या सुनना चाहेंगे सर? मैं ये तो यही सुनना चाहूँगा कि मजदूरों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाए, अपने राज्य में, अपने अपने राज्यों में खुशहाली, अपने खेत खलिहानों में खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर पाएँ। और जो ये डर है, जो ये भय है, इससे बाहर निकलने का उनको एक मौका मिले। और उनको किस तरीके से राज्य सरकारें, खासकर हम बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन लोगों से जहां सबसे अधिक मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं, इनको एक जो स्थिति है आज की स्थिति में, फिर से वो बाहर निकल करके देश की अर्थव्यवस्था में एक अपना भूमिका अदा कर पाएँ, इसके लिए उनको फिर से हमें तैयार करना पड़ेगा। वो कैसे तैयार करना पड़ेगा, मुझे लगता है इस विषय पर प्रधानमंत्री ज़रूर रोशनी डालेंगे, क्योंकि हम मजदूरों को नज़रअंदाज अगर हम आज कर नज़रअंदाज करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय इस देश के लिए भी और राज्य के लिए भी बहुत बेहतर नहीं होगा। हम रोजगार सृजन के कई उपाय कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग, उन सब चीज़ों में कम से कम हमें, जैसे अब हम लोगों को
जो ब्याज लगता है अभी कहीं कहीं से हम लोग लोन लेते हैं, उन सब चीज़ों में हमें राज्य सरकारों को छूट मिलनी चाहिए। सिर्फ बिजनेसमैन को ही छूट नहीं, राज्य सरकारों को भी कुछ छूट मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। कई चीज़ें हैं जो अब है जिसमें राज्य सरकारों को बड़े पैमाने पर करके टैक्स के रूप में वर्ल्ड बैंक को देना पड़ता है, दूसरे और भी संस्थाओं को देना पड़ता है जहाँ से राज्य सरकारें कर लेती हैं। तो आज इन सब चीज़ों में राज्य सरकार को थोड़ा राहत मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि कोरोना के पीरियड तक में कुछ ये राहत केंद्र सरकार घोषणा करेगी, ऐसा मुझे लगता है। आप जुड़े हमारे साथ, आपने बहुत सारी बातें रखी, बहुत अहम बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन मेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज नॉट द टाइम to be charging migrants. He's saying these trains should run for free. He's also saying that in the same way as you're giving concessions to companies, concessions should also be given to states, because there's a lot of interest burden that they have to deal with. He says we simply don't have the revenue, and if we keep paying for all these migrants coming back, then we may soon run out of revenues, we may soon run out of funds to be able to sustain ourselves. That was the Chief Minister of Jharkhand, Hemant Soren, speaking to India Today about the Prime Minister's big address at 8 p.m. this evening. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.